शिवलिंग हिंदू धर्म की मान्यताओं में काफी पवित्र सिंबल है और भगवान शिव के हर मंदिर में उसकी पूजा भी की जाती है, क्योंकि यह शिवलिंग भगवान शिव का ही प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के दो हिस्से होते हैं, ऊपर का गोल हिस्सा और निचला बेस, जिसके कई काम होते हैं। जब हम शिवलिंग पर पानी या दूध डालते हैं तो वो इसके रास्ते बह जाता है। शिवलिंग पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, और तो और कई बार शिवलिंग चीन और जापान में भी देखने को मिले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार शिवलिंग आज से करीब 2000 साल पहले पहली बार नजर आए थे, लेकिन आज भी इस बात पर बहस होती रहती है कि आखिरकार इस आकार का मतलब क्या है। ये गोल सिलेंड्रिकल हिस्सा असल में बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। सन 1900 में पेरिस के कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने वेदों और हिंदू धर्म के बारे में चर्चा की थी, और अपने भाषण में उन्होंने शिवलिंग का असली मतलब बताया था। उन्होंने कहा था कि शिवलिंग असल में भगवान शिव के दिव्य शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सदियों से पश्चिमात्य लोग यही मानते आए हैं, और खासकर अंग्रेजों ने किताबों के जरिए भारतीयों के मन में यही बिठाया है कि शिवलिंग एक सेक्सुअल सिंबल है। उसका सिलेंडर पुरुष के लिंग का प्रतीक है और निचला गोल हिस्सा महिला का। लेकिन शिवलिंग का गलत मतलब तो आज तक निकाला जा रहा है, और आज भी कई भारतीयों की भी यही मान्यता है, जो बिल्कुल गलत है। लिंग का असली मतलब होता है स्तंभ, और शिवलिंग में मौजूद ये स्तंभ ऊर्जा का प्रतीक है। आज साइंस की भाषा में कहा जाए तो ये एटॉमिक एनर्जी का प्रतीक है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल भलाई के लिए नहीं किया जा सकता, तो फिर भगवान शिव से इस ऊर्जा का क्या संबंध? हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भगवान शिव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान शिव के दो मुख्य काम है, विनाश और सृष्टि का निर्माण। उनके एक हाथ में डमरू नजर आता है, जिससे वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, और उनके दूसरे हाथ में त्रिशूल है, जो विनाश का एक हथियार है। इसके अलावा उनके माथे पर एक तीसरी आंख भी है। कहते हैं कि जब भी वो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, उससे काफी तेज रोशनी निकलती है, जिससे सामने वाली चीज भस्म हो जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ही वो भगवान थे जो इंसानों के विनाश और उनके पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। वेदों में कहा गया है कि भगवान शिव पृथ्वी पर तब आए थे जब इंसानों का वजूद नहीं था। हिंदू मान्यता के मुताबिक विनाश के बाद ही निर्माण हो सकता है। सिर्फ हिंदू मान्यता ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर संस्कृति में कोई न कोई लेख ऐसा जरूर मिलता है जिसमें एक महाजल प्रलय की बात की गई है, जिसने पृथ्वी पर से एक ही दिन में सारी जीव सृष्टि का अंत कर दिया था। तिबेटियन लामा ने भी ये कहा था, ऐसा एक समय आया था कि जब पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी, और फिर जब पानी कम हुआ तो बिल्कुल नए सिरे से इंसानों की रचना की गई थी। और शिवलिंग का आकार हमारे वेदों में शिवजी द्वारा किए गए विनाश की बात को दर्शाता है। शिवलिंग का सिलेंड्रिकल आकार आज के न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलता जुलता है। उसके बेस का गोल आकार भी बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर के उस हिस्से जैसा है जो रिएक्टर से उस पानी को बाहर निकालता है। प्राचीन काल से ही हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हुए उस पर दूध या पानी डालते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि न्यूक्लियर रिएक्टर को भी ठंडा रखने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, जो बाद में बेसमेंट से बाहर बह जाता है। एक और दिलचस्प बात ये है कि ज्यादातर शिवलिंग नदी या ऐसी जगह पर होते हैं जहां आसपास पानी का स्रोत हो, बिल्कुल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक राज्य के सिरसी गांव में। इस गांव से 15 किलोमीटर दूर शालमाला नदी के अंदर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, सहस्त्रलिंग। इस पानी में मौजूद शिवलिंग साल के ज्यादातर समय पानी के अंदर ही समाये रहते हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर ये सारे लिंग तीर्थयात्रियों को दिखाई देते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आमतौर पर फरवरी और मार्च के शुरुआत में आता है, और इस वक्त इस नदी का पानी पूरी तरह से उतर जाता है और सारे शिवलिंग नजर आते हैं। इन शिवलिंगों का निर्माण नदी में ऐसे ही नहीं किया गया था। इन शिवलिंगों को बनाने वाले लोग हमसे ज्यादा समझदार थे, क्योंकि वो शिवलिंग का असली मतलब जानते थे। इससे ये बात तो साबित होती है कि हमारे प्राचीन वेदों में शिवलिंग और भगवान शिव के बारे में कही गई बातें 100% सही है,
और भगवान शिव की उस शक्ति को दर्शाने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है वो तो आज के विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है। ऊर्जा के प्रतीक इस शिवलिंग का असली मतलब हम इंसान 20th सेंचुरी में तब समझ पाए जब हमने न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर फिजन की खोज की थी, और उम्मीद है कि अब सारी दुनिया को भगवान शिव के इस प्रतीक की असलियत समझ आए। अगर आप भी मुझसे सहमत हैं और चाहते हैं कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।